जिसको पता है नहीं रात को उसी को भी नहीं पता रहेगा, आदमी चलाएगा स्पीड। हाँ नमस्कार आदाब सलाम अलैकुम, मैं हूँ मंजर आलम, आप देख रहे हैं रियल न्यूज। रियल न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये किशनगंज जिला के टेरागाज प्रखंड अंतर्गत में और ये हाडगांव पंचायत वार्ड नंबर 9 में ये दृश्य मैं दिखा रहा हूँ। प्रधानमंत्री सड़क गोरिया नदी का छोर में ये प्रधानमंत्री सड़क बनाया गया था। कितना दिन पहले बनाया था ये रोड? 2 महीना पहले ये रोड बनाया गया था। करोड़ों रुपए का योजना है। दोस्तों मैं बता देना चाहिए, हमारे दुर्भाग्य की बात है, संवेदक की लापरवाही से ये रोड में इतना बड़ा गड्ढा पड़ गया, इस प्रकार का कट गया। और क्योंकि काफी आश्चर्यजनक बात है दोस्तों, मैं बता देना चाहूंगा, करोड़ रुपए लगाने के बावजूद भी इस प्रकार का अगर ध्वस्त हो जाएगा वो काम नहीं आएगा, आवागमन के लिए परेशानी होगी, तो कहीं ना कहीं दुखजनक बात है। ना ही कोई संवेदक देखने आया, ना ही कुछ नहीं। 2 महीना पहले महाज बनाया था रोड का, अभी तक बोर्ड भी सही करके नहीं लगाया होगा मेरा अंदाजा, 2 ही महीना मात्र है। क्योंकि ऐसे एक इतना महंगा रोड बनाने का बावजूद भी इस और ध्यान नहीं दे रहे। आप लोग कॉल फोन किए थे क्या? उस दिन बोला कि ले जाएंगे, ट्रैक्टर नहीं मिला है, बारिश हो गई है ज्यादा जी, तो उसके बाद हम लोग जाके बना लेंगे, तो अब तक नहीं है, अब शायद आ जाएगा। ये कटा था कितना दिन पहले? ये कटा है लगभग 10 दिन पहले। 10 दिन पहले तो इस देखने नहीं आया कोई भी? आया था एक दिन, आया था तो उसकी क्या करके गया वो? देख के गया कि मतलब ट्रैक्टर वाला नहीं मिला, ट्रैक्टर का जुगाड़ करके बालू वालू दे के हम लोग यहाँ बंद करवाए। तो आप लोगों ने अपोज नहीं किया कि इतना इतना करोड़ रुपए का लागत, इतना मोटी रकम से ये रोड बनाया गया तो ध्वस्त कैसे हो गया? हम लोग तो बोले हाँ क्या कीजिएगा, बोले अंदर से बोले कहीं पर भूला वगैरह कट गया होगा तो इसलिए ऐसा हुआ। तो लोग धर्मुष वगैरह नहीं चलाया, ऐसे काम कर दिया? धर्मुष तो चलाया था। तो धर्मुष चलाते तो फिर रोड बैठना चाहिए ना, फिर भूल कहाँ से आ गया? पता नहीं तो कहाँ से आ गया, अंदर से दूर से है। देखिए जब सरकारी जो बिहार के सरकारी इंजीनियरों को जो मैं रेलता हूँ तो बोलते हैं कि पत्रकार सब रेल आ जाता है। मैं इसीलिए रेलता हूँ कि करोड़ों रुपए का योजना, दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ करोड़ों रुपए का योजना है सरकारी इंजीनियरों को, उन लोगों को ये पता नहीं था कि ये रोड बैठ जाएगा। क्योंकि नदी किनारे में रोड जो बना रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितना बड़ा रोड के अंदर गड्ढा है। ये सरकारी प्रधानमंत्री सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क है ये। दोस्तों मैं बता दें कि सरकारी इंजीनियरों का, इन लोगों की लापरवाही से ये हुआ है। और मैं बता दूं कि अगर थोड़ा सा भी अगर सही काम करता तो इस प्रकार का गड्ढा नहीं पड़ता। ये हो सकता है ना, ये देखिए कोई भी घटना हो सकता है। ना ही यहाँ ब्रेकर लगा हुआ है, ना ही कुछ यहाँ कुछ पॉइंटेड बनाया, कुछ नहीं बनाया। और डायरेक्ट अगर कोई आदमी अनजान व्यक्ति होगा इस रोड से आवागमन करेंगे तो डायरेक्ट वो मौत का शिकार हो जाएगा। दोस्तों हमारे दुर्भाग्य की बात है, यहाँ के इंजीनियर एग्जीक्यूटिव आखिर क्या कर रहे हैं, किस चीज का वेतन ले रहे हैं, मुझे दुख लगता है। देखिए दोस्तों आपको दिखा देना चाहिए कितना बड़ा गड्ढा है, कितना बड़ा गड्ढा है ये, 1 फुट का रास्ता छोरा है। देख सकते ये भी टूटने का कगार में है, यह पूरा रोड ध्वस्त हो गया। ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ये अप्रोच बनाया था रोड का। ये देखिए ये गोरिया नदी है दोस्तों, लबालब पानी रहता है इस नदी के अंदर। और आप देख सकते हैं ये गोरिया नदी का ये ऊपर ये प्रधानमंत्री सड़क है। आप देख सकते हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दुखजनक बात है कि इतना बड़ा गड्ढा हो गया। अभी तक इसको कुछ नहीं, ना कोई देखने आया, ना कोई साफ कुछ नहीं, ब्रेकर भी दे देता है तो कोई गाड़ी वाला अपनी घटना से बच सकता है। दोस्तों हमारे दुर्भाग्य की बात है, हमारे किशनगंज जिला के अंदर क्या हो रहा है और कुछ बता, इस ओर ना ही कोई सुध ले रहे, ना कोई बुध ले रहे, कुछ भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, तो सिर्फ खाना पूर्ति करके जाते हैं। जो बड़े बड़े संवेदक है सिर्फ अपना अकाउंट में पैसा भरने का काम कर रहे हैं, लोग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि उन इंजीनियरों तक और उन संवेदक तक ये जाना चाहिए। ये रोड का मामला बड़ा संगीन है, प्रधानमंत्री सड़क गोरिया नदी का छोर में। आइए ग्रामीण से बात करेंगे, आइए स्टॉप करेंगे।